कुल्लू जिला की मणिकरण घाटी की ग्राम पंचायत पुंथल के गांव शालग में एक लकड़ी का मकान जलकर राख हो गया। आगजनी में लाखों की संपत्ति स्वाहा हो गई है। राजस्व विभाग ने 9 लाख रुपए के नुकसान का आंकलन किया है और पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए की फौरी राहत राशि दी गई है। मणिकरण घाटी की पुंथल पंचायत के शालग गाँव में एक मकान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। लकड़ी के मकान में 6 कमरे थे जिसमें 5 परिवार रहते थे। हालांकि आग को बुझाने के लिए लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन आग की चिंगारियां इतनी भड़की कि देखते ही देखते घर राख के ढेर में तब्दील हो गया। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए की फौरी राहत राशि प्रदान की गई है। कुल्लू के सहायक आयुक्त सनी शर्मा ने बताया कि मणिकरण घाटी के शालक गांव में 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया है। उन्होंने कहा कि फौरी राहत राशि के अलावा पीड़ित परिवार को जरूरी सामान भी मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। कल शाम को दिनांक 5 फरवरी 2019 को शाम रात के 10 बजे के आसपास ओम प्रकाश सन ऑफ चंदेराम जो फाटी है जरी, उसके अंदर एक गांव है शालंग, वहां पर एक 2.5 मंजिला मकान में आग लगी थी जिसमें नुकसान हुआ है। कुल मिला के लगभग 8 लाख का नुकसान जो है हमारी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की तरफ से असेस किया गया है और इसमें मौके पर हमने 10,000 रुपये उनको राहत दे दी है। उसके अलावा की जो राहत है उनको भी वो जल्दी दे दी जाएगी। जैसे मैंने कहा 2.5 मंजिला के आसपास मकान है और अभी हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लगी है उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है आग लगी हो, और इसकी तो जो भी हो नुकसान हो उसका वेरीफाई हम उनको जितना रेवेन्यू अथॉरिटीज़ देती है मैनुअल के अकॉर्डिंगली वो दिया जाएगा। देखिए मौके पर बिल्कुल, क्योंकि रात की घटना है तो फिलहाल तो फौरी राहत हमने 10,000 दी है। इसके अलावा सर्दी का मौसम है इसलिए हमने ये भी अपने जो फील्ड अथॉरिटीज़ हैं जो हमारे कानून को पटवारीज होते हैं उनको डायरेक्शन दी है कि वो सर्दी के हिसाब से ध्यान दें, उनको जो भी सर्दी का सामान चाहिए हो, कंबल हो या कुछ हो, वो समय पर उनको प्रोवाइड कर दें, हम इंश्योर करेंगे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।